जोधपुर जिले के पीपाल सिटी में पिछले लंबे समय से अपनी पुश्तैनी रोजगार को बचाने की जोगवा कर रहे जटिया रेगर समाज ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को जल्द समाधान करने की मांग रखी। समाज के नेता बालूतरा ने बताया कि जटिया समाज चर्मकार का व्यवसाय चलाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। सरकार ने उनके व्यवसाय को बंद करवाते हुए उनकी फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चढ़वा दिया है। सरकार अब ना तो कोई व्यवसाय दे रही है और ना कोई जगह दे रही है। शहर के गरीब लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। समाज के सभी लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि लोगों को रोजगार के लिए शहर से बाहर जमीन, नगर पालिका की कार्रवाई द्वारा नुकसान के लिए 5 लाख परिवार सहायता राशि देते हुए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तब पूरे प्रदेश में सामाजिक स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हमें घर अपने ही घर से बेघर कर दिया, हमारा धंधा छीन लिया, हमें रोड पर आने पर मजबूर किया। हम यही चाहते हैं सरकार और कोर्ट से कि हमें अपना न्याय मिले। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? आज हमने संपूर्ण एसी कास्ट दलित समाज इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम बाद में यहाँ पर धरना देंगे जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपकी क्या क्या मांगे? हमारी मांगे मुआवजा दिया जाए। पहले तो हमें पुनर्वास, जैसी हमारी वहाँ कंडीशन थी उसी तरीके से हमें वापस है ना दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद में जो हमारे हमने ऋण लिया है साहूकारों से, तो वो माल तकरीबन 3 सालों तक सस्ता होने के कारण हमने 3 साल का स्टॉक कर लिया था, वो पूरा नष्ट हो गया, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान हो गया, उसका मुआवजा चाहिए। ठीक है। कार्ड में जो हमारा रोजगार था, चर्म उद्योग जो हमारा छीन गए हैं, तो हम बच्चों को कैसे पाले? और एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, हम सभी को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया, तो हम कैसे बेटी पढ़ाए और कैसे बेटी बचाए? अब प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी जो हमारे जो लाखों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और जमीन दी जाए और हमारे सभी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आज आपने यहाँ पे क्या किया? आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है। अगर सरकार की आपकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम भूख हड़ताल करेंगे और यही धरना धर रहे बैठ जाएंगे। नाम क्या?